यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस में, दैट इज आईएएस टॉपर्स मंत्रा। तो आगे आगे बढ़ने से पहले बता दीजिए स्टूडेंट्स, इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टूडेज सेशन। यस, नमस्कार, जय हिंद। चलिए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स आज के सेशन की तरफ। This is Dr. Anurag, a passionate UPSC mentor and expert in the field for the past one decade in offline mentoring, past 2.5 years in online mentoring upon various edtech platforms. In UPSC, I have appeared twice for the personality test in my 4 attempts and 4 mains. I have also worked as assistant commissioner of sales taxes in Uttar Pradesh State Services for 3 years, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. टेलीग्राम चैनल आइए स्टॉपर्स मंत्रा पर आइए और ले जाइए आप लोग स्टूडेंट्स द फ्री पीडीएफ ऑफ दिस सेशन। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो चलिए बढ़ चलते हैं। 12 नवंबर है आज का, करंट अफेयर्स न्यूज बहुत कम है, ओके, और 5-6 न्यूज है, देखते हैं उसको कहाँ कहाँ इंटरलिंक कर सकते हैं। संडे को बहुत ज्यादा न्यूज रहता है, कल बहुत न्यूज रहेगा, ओके, सो बी रेडी फॉर इट। तो आपको पता है हम हर न्यूज़ को चेक करते हैं 3 अप्रोचेस से, डिकोड इंटरलिंक अप्रोच, 360 डिग्री अप्रोच एंड फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन अप्रोच। डिकोड इंटरलिंक अप्रोच इज फॉर द मेंस वैल्यू एडिशन ऑफ सम एक्स्ट्रा 10 वर्ड्स इन एवरी क्वेश्चन, इन एवरी आंसर। 360 डिग्री अप्रोच इज फॉर द प्रीलिम्स, सीइंग द बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज। एंड थर्ड, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन अप्रोच इज फॉर द मेंस, अगर कोई सवाल निकल सकता है स्टूडेंट्स उस टॉपिक से तो हम ये भी देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आईएएस टॉपर्स मंत्रा हेडक्वार्टर्ड इन पुणे हैज लॉन्च्ड वेरियस ऑफलाइन कम ऑनलाइन कोर्सेज फॉर द यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स। ये पेड कोर्सेज हैं और इसमें संकल्प टेस्ट सीरीज 2 दिसंबर से लॉन्च हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, अपॉन द ऐप। ऐप इज गोइंग टू कम अप बाय नवंबर एंड। पहला जो टेस्ट है 2 दिसंबर को, आप देख सकते हैं यहाँ पर शेड्यूल, ठीक है। इट्स अ पेड टेस्ट सीरीज, 8,000 रुपये पर स्टूडेंट लगेगा इसमें। इट इंक्लूड्स डिस्कशन ऑल्सो अबाउट एवरी टेस्ट। फ्राइडेज को टेस्ट होगा, संडे को डिस्कशन होगा, रियल जजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं। अभी इंग्लिश मीडियम में टेस्ट है, हिंदी के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। माइट बी दैट आफ्टर 2 or 3 tests इज ओवर हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगा टेस्ट दिसंबर एंड तक, ओके। और ये देखिए, सिलेबस ऑफ ऑल टेस्ट टू बी इशूड बाई मिड नवंबर। सिलेबस पॉलिटी में पहले टेस्ट में क्या क्या आएगा, पॉलिटी का सेकंड टेस्ट में क्या क्या आएगा, सो इट्स लाइक दैट। एंड डिस्कशंस और आपको कुछ एक्सर्ट्स भी मिलेंगे इसमें ऑल्सो स्टूडेंट्स। दिस अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीलिम्स 2023 एक्सपेक्टेड एरियाज का लिस्ट भी मिलेगा आपको अप्रैल 2023 में, जो लोग इस कोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा सक्षम मेंटरशिप कोर्स वीकेंड्स में लॉन्च किया गया है, सैटरडे संडे और मंडे को। तो आज भी ये कोर्स है, 5 घंटे 15 घंटे वीकेंड्स पर। इसमें ऑल द मैगजीन्स, ऑल द एडिटोरियल्स, ऑल द न्यूज पेपर्स कवर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, एथिक्स केस स्टडीज, ग्लोबल गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, एक साथ सैटरडे संडे मंडे का ये सेशन आपको ब्रशअप करेगा अपनी तैयारी में। और अगर कोई डाउट्स हैं स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हैं इन मोबाइल नंबर्स पर 8329637094, 7038899438 एंड 7276637094, यू कैन कॉन्टैक्ट अपॉन इट। आइए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स आज के सेशन की तरफ। तो पहला सेशन ये रहा आपके सामने, पहला न्यूज़ ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, यू कैन सी इट हियर। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट से ये पहला न्यूज़। आल्टीट्यूड डिसाइड्स द सीमियंस एटीट्यूड टू डाइट, ये देखिए। तो डिफरेंस इन altitudes मेक अ प्राइमेट स्पीसीज इन द सेम हिमालयन हैबिटेट chose बिटवीन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एज फूड ऑप्शंस बियॉन्ड their स्टेपल मेन्यू ऑफ लीव्स, अ न्यू स्टडी हैज revealed। ये देखिए, हिमालयन ग्रे लंगूर और द चंबा सेक्रेट लंगूर, ये देखिए, इज अ कोलोबाइन, ये लिखा हुआ है, नोट कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यू कैन सी इट हियर दैट अपॉन दिस हिमालयन ग्रे लंगूर, यहां पर ये देखिए, हिमालयन ग्रे लंगूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये चंबा सेक्रेट लंगूर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कोलोबाइन है, कोलोबाइन का मतलब होता है लीफ ईटिंग मंकीज, ये देखिए, लीफ ईटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये इट्स अ कोलोबाइन, इट इस ये लीफ इटिंग मंकीज कौन से हैं? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, लीफ इटिंग मंकीज हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। ओके, तो ये देखते हैं यहाँ पर, इट इज कंसिडर्ड एन एंडेंजर्ड स्पीसीज ग्लोबली एज इट्स पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी लेस देन 1500 मैच्योर इंडिविजुअल्स। ये देखिए एंडेंजर्ड स्टेटस, एंडेंजर्ड स्टेटस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिमालयन ग्रे लंगूर। ये देखिए थ्री प्राइमेटोलॉजिस्ट स्टडीड द डाइट कंपोजिशन ऑफ फाइव सच ग्रुप्स एंड इन एंड अराउंड द काला तोप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ये देखिए स्टूडेंट्स ये सेंचुरी कहाँ पर है? इन हिमाचल प्रदेश। ये देखिए ये सेंचुरी कहाँ पर है? इन हिमाचल प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेयर्स में आ सकता है, कोलोबाइन का मीनिंग आ सकता है। ये प्रिलिम्स के लिए मैं बता रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स, दे स्पेशली कंसंट्रेटेड इन, तो देखिए यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, दे स्पेशली कंसंट्रेटेड ऑन टू ग्रुप्स, वन इनहैबिटिंग द काला तोप फॉरेस्ट एंड द अदर बेस इन खजियार फॉरेस्ट। काला तोप फॉरेस्ट ऊपर के लेवल्स पे है, आल्टीट्यूड ऊपर है हाइट, एंड खजियार फॉरेस्ट नीचे है, और दोनों जगह पर इन्हें एक चीज दिख गया दैट मंकीज आर, मंकीज हैव डिफरेंट डाइट्स, द हिमालयन ग्रे लंगूर हैज डिफरेंट डाइट्स। ये देखिए द डोमेन्स ऑफ द टू ग्रुप्स वर ओनली 208 meters अपार्ट, मीन्स एक 208 meter ऊपर पाया जा रहा है, एक नीचे पाया जा रहा है, बट द आल्टीट्यूडनल गैप मेड अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन द मंकीज टुक अ ब्रेक फ्रॉम फीडिंग ऑन द लीव्स ऑफ सम 20 species ऑफ प्लांट्स, प्राइमरली द हिमालयन आईवी एंड द हिमालयन ओक, व्हाइल द काला तोप ग्रुप सेटिस्फाइड देयर क्रेविंग फॉर समथिंग डिफरेंट बाई फीडिंग ऑन फ्लावर्स, द खजियार ग्रुप एट फ्रूट्स फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। ये देखिए लीफ खाने के अलावा और क्या खा रहे हैं, तो फ्रूट्स और फ्लावर्स अलग अलग ग्रुप, हाइट पे डिपेंड कर रहा है, आल्टीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। ये साफ साफ स्टूडेंट्स अडेप्टेशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, रोल ऑफ नेचर, नेचर नर्चर के दिस डिस्कशन में रोल ऑफ नेचर, सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट, यस, तो ये आ सकता है वैल्यू एडिशन में आप पुटअप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए तो जो ऊपर के हाइट वाला है वो अमीर है, हो सकता है, आइए देखते हैं क्या खा रहा है वो। काला तोप ग्रुप खा रहा है फ्लावर्स, खजियार ग्रुप खा रहा है फ्रूट्स, नहीं 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 नीचे के ग्रुप वाला अमीर है यहाँ पर, खजियार सेंचुरी वाला, काला तोप फॉरेस्ट वाला थोड़ा गरीब है। ओके, पहली बार दुनिया में ऐसा उलट फिर देखने को मिला है, ऐसे जो ऊपर होता है वो अमीर होता है। यहाँ देखिए इज देयर एनी रिलेशन विद द अल्पाइन ग्रासलैंड्स, नहीं देखिए अभी इसके ऊपर रिसर्च R&D चल रहा है, लेकिन दीज मंकीज आर वेरी वेरी स्पेसिफिकली ईटिंग द दिस सम स्पीसीज, यानी देखिए यहाँ पर हिमालयन आईवी और हिमालयन ओक, इसी पर ये फीड कर रहे हैं, देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो ग्रासलैंड से कोई इम्पैक्ट नहीं है, हाँ देखिए ओवरऑल जो इकोसिस्टम है हर दोनों जगह अलग अलग इवॉल्व किया होगा। तो दिस इज द मीन्स द बिगिनिंग मीन्स एविडेंसेज एंड द कंक्लूजन्स फ्रॉम द रिसर्च गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, और रिसर्च चलेगा समझ में आएगा यहाँ पर। तो एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी ऑप्शनल, बॉटनी ऑप्शनल, जहाँ जहाँ डार्विन डार्विन बाबा के ऊपर क्वेश्चन आएगा, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस के ऊपर सवाल आएगा, प्लीज़ इंक्लूड दिस टॉपिक। और प्रीलिम्स के लिए एंडेंजर्ड, कोलोबाइन, हिमालयन ग्रे लंगूर, काला तोप, खजियार, ये सब देख लीजिएगा, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ चले, नो ब्रेक थ्रू ऑन लॉस एंड डैमेज, टॉक्स पोस्ट टू मिनिस्टरियल मीट्स। ये देखिए ये है जोसेफ बाइडेन, ये देखिए यहां पर खुश बहुत नजर आ रहे हैं ये। विद द डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज डीपली डिवाइडेड ओवर द नीड टू क्रिएट अ न्यू फंड, एक नया फंड क्रिएट करने की बात चल रही है, डेवलपिंग कंट्रीज कह रही है कि एक नया फंड क्रिएट कीजिए टू हेल्प द नेशंस अफेक्टेड विद क्लाइमेट डिजास्टर्स, उसी को लॉस एंड डैमेज, ये देखिए लॉस एंड डैमेज फंड कहा जाएगा। ये देखिए तो क्लाइमेट डिजास्टर से जो कंट्रीज अफेक्टेड है उनके लिए लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट करने की बात है। डेवलपिंग कंट्रीज कह रही हैं वी विल नीड अ सेपरेट फंड, अलग अकाउंट ओपन करो, अलग अकाउंट में से पैसा दो। यूरोपियन यूनियन कह रहा है नहीं, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है उसी में से पैसा मिलेगा, यानी जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसी में से पैसा मिलेगा। तो लॉस एंड डैमेज फाइनेंस वॉज इंक्लूडेड ऑन द मेन एजेंडा फॉर द क्लाइमेट मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर,
रेजिंग होप्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज हु हैव बीन पुशिंग फॉर अ सेपरेट फंड फॉर दिस पर्पस। ये देखिए यूरोपियन यूनियन वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज। आप कहेगा सर ये जोसेफ बाइडेन किधर है, इनको भी नहीं पता है, आराम से रहिए। ओके क्लियर। तो यहां पर ये देखिए, यस यस तरुण ने पुट अप किया है दैट ऊपर फ्रूट ट्रीज हो ही ना, यस। तो देखिए अडेप्टेशन इसी पे ना डिपेंड करता है। नेचर का मतलब क्या है उस जगह पर जो हम लोग ये टॉपिक देख रहे थे, इस जगह पर नेचर का मतलब क्या है, डिफरेंट ट्रीज डिफरेंट लीव्स डिफरेंट दिस सराउंडिंग्स, तभी तो ये अडेप्ट कर रहा उस हिसाब से, वही तो यहां डिस्कशन था। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर वापस आई, यहां पर द यूरोपियन यूनियन विच इज इन फेवर ऑफ एड्रेसिंग लॉस एंड डैमेज थ्रू एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल आर्किटेक्चर सेड एनी ब्रेक थ्रू ऑन दिस इश्यू वाज एक्सपेक्टेड ओनली ड्यूरिंग द मिनिस्टेरियल मीटिंग्स नेक्स्ट वीक। यूरोपियन यूनियन ने कहा देखो यार लड़ रहे हो, अब अगले हफ्ते बात करेंगे मंडे को। ये देखिए मंडे को बातचीत होगी, देखिए यहां पर इसको लेकर। इन द मीनवाइल यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन ड्रॉप्ड इन एट द कॉन्फ्रेंस फॉर अ शॉर्ट विजिट लास्टिंग अ फ्यू आवर्स एंड सेड दिस हिज कंट्री वाज रेडी टू रिक्लेम द लीडरशिप ऑफ क्लाइमेट चेंज। इन्होंने कहा मुझे लीडर बना दो क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट चेंज करवाने का नहीं, क्लाइमेट चेंज काउंटर करने का। ही अपोलोजाइज्ड, सॉरी बोला इन्होंने, फॉर हिज प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप टू पुल आउट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप, और याद कीजिए इसके पहले कौन थे, जॉर्ज बुश टू, ये दोनों रिपब्लिकन्स, और ये दोनों ने अपने समय में विड्रॉ किया है क्लाइमेट चेंज के इनिशिएटिव से। तो यहां देखिए जॉर्ज बुश टू जो थे उस समय जब इराक पे अटैक हुआ एंड अफगानिस्तान पे अटैक हुआ, ही ऑल्सो विड्रू फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल लेट मी टेल यू, एंड डोनाल्ड ट्रंप विड्रू फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट। रिपब्लिकन्स आर रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट में कौन प्रेसिडेंट है वहां पर, इस पे डिपेंड कर रहा है यूएस की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, यूएस की इंडिया पॉलिसी। एग्री कर रहे हैं गिव अ यस इन द चैट बॉक्स, इज इट क्लियर। तो यही देखिए स्टूडेंट्स इस जगह पर, अब देखा जाए, देखिए बराक ओबामा या दिस जोसेफ बाइडेन, दे आर डेमोक्रेट्स एंड दे आर मोर लीनियंट टू, आई मीन दे आर मोर मींस रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स काउंटरिंग क्लाइमेट चेंज। येट जोसेफ बाइडेन और बराक ओबामा के समय में कभी भी इंडिया की तरफ से, इंडिया की तरफ उतना झुकाव नहीं रहा यूएस का, मैं बता दूं आपको। यस यस एग्रीड। देखिए हर जगह स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पुटअप किया गया एक पॉइंट, इट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म लाकर और बाकी चीजें लाकर ये पूरा एक हसीन सपनों की दुनिया क्रिएट की जा रही है। यस, क्योंकि सारी कंट्रीज पेड़ काट रहे हैं अपने यहाँ, एवरी कंट्री, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सो कॉल्ड डेवलपमेंट बाई पुटिंग अप बाई मीन्स कट डिफॉरेस्टेशन एंड पुटिंग अप न्यू प्लान्स ऑफ सी पोर्ट एयरपोर्ट डेवलपमेंट ऑन अंडमान निकोबार आइलैंड्स टू। तो ये एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि ये वही बात हो गई ना, दैट ऐसा है कि सब अच्छा काम करना, सब अच्छा काम करना, थोड़ा सा एक गलत काम कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, ऐसा ही कंसेप्ट चल रहा है। और इसी लीनियंसी के कारण द वर्ल्ड इज मूविंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स क्लाइमेट डिजास्टर्स। यस दैट्स इट। तो चलिए इस टॉपिक पे आगे डिस्कशन होगा, नो नीड टू वरी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से देखते हैं, न्यूज नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंस्टीट्यूशन से क्या न्यूज है, जीएस पेपर टू। ये देखिए येलेन वांट्स इंडिया इन फ्रेंड शोरिंग लिस्ट। ये है, ये देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन। ये देखिए, तो शी इज ऑल्सो लाइक जोसेफ बाइडेन ओनली, नए नए वर्ड्स। ये देखिए बोला कि ये फ्रेंड शोरिंग क्या होता है भाई। ये देखिए यही न्यूज आया है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी, द हिंदू में भी, लाइव मिंट में भी, इंडियन एक्सप्रेस में भी। और देखिए यहां पर फ्रेंड शोरिंग का मतलब क्या है, अब देखिए नया टर्म आ गया। पूछा गया ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स का सिलेबस क्यों पढ़ा रहे हैं, आइए देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड शोरिंग अप्रोच विथ ट्रस्टेड पार्टनर्स, एक्सप्लेनिंग फ्रेंड शोरिंग अ टर्म शी हैज यूज्ड बिफोर, येलेन सेड द अप्रोच इन्वॉल्व्स द यूएस बोल्स्टरिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज। ओके, यूएस फोकसिंग अपॉन ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज। ये देखिए ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज, हैव अ लुक विद द लाइक माइंडेड नेशंस। ये देखिए लाइक माइंडेड नेशंस, ये देखिए, यस ये देखिए लाइक माइंडेड नेशंस
एंड रिड्यूसिंग लिंकेजेस विद कंट्रीज एट प्रेजेंट जियो पोलिटिकल एंड सिक्योरिटी रिस्क टू सप्लाई चेन्स। ओके ये देखिए रिड्यूसिंग, देखिए ये साथ में डुअल अप्रोच, रिड्यूसिंग रिलेशंस, रिड्यूसिंग रिलेशंस विद कंट्रीज दैट पोज रिस्क टू सप्लाई चेन। चाइना की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, चाइना कह रहा है यार फ्रेंड शोरिंग नाम का टर्म क्यों रखा, चाइना रख देते हैं ठीक है। रिड्यूसिंग रिलेशंस with countries which are a threat to supply chain। ये देखिए क्या ये क्लियर हुआ टॉपिक, मुझे बताइए फ्रेंड शोरिंग का मतलब। ये देखिए सप्लाई चेन, थ्रेट टू सप्लाई चेन, ये देखिए। सो दिस For too long, countries around the world have been overly dependent on risky countries or a single source for critical input। Single source ये कह रही है, इनका कहने का, चाइना बोल रहा है डायरेक्टली कह दो ना मुझे, ठीक है क्या दिक्कत है, देखिए। And for critical inputs, we are proactively deepening economic integration with trusted trading partners like India। यानी साफ साफ है फ्रेंड शोरिंग का मतलब होता है alternate to supply chain risk create करना economic के फील्ड में, yes। ऑल्टरनेट टू चाइना क्रिएट करना, ऑल्टरनेट टू बदमाश कंट्रीज क्रिएट करना, नहीं मुझे बताइए। सो इट्स ऑल अबाउट यस रिजिलियंस टू बी डेवलप्ड इन द सप्लाई चेन, नॉट टू बी डिपेंडेंट अपॉन अ सिंगल कंट्री, दैट्स इट। फ्रेंड शोरिंग यूपीएससी कैन आस्क इन द मेन्स क्वेश्चन, एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंड शोरिंग इन द करेंट जियो पॉलिटिक एंड जियो इकोनॉमिक सिनारियो। क्या बात है, एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंड शोरिंग इन द करेंट जियो पोलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक सिनारियो, 10 marks 150 words, इसका क्या सिग्निफिकेंस है जियो पॉलिटिक्स में और जियो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। आपको लिखना है दो दो वर्ड्स, ये देखिए दो दो पॉइंट्स, दैट्स इट। क्लियर है, तो क्या ये क्रिटिकल इनपुट्स का मतलब क्या है, रेयर अर्थ, सेमी कंडक्टर, सप्लाई चेन, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, लिथियम आयन रिजर्व्स, क्रूड ऑयल भी है उसमें, यस दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी से टॉपिक है, इंडिया आउट ऑफ करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यही आई है और तुरंत इन्होंने इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर किया है। क्या होता है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में और फिर समझ में आएगा। ये देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए। फ्रेंड शोरिंग मीन्स डुअल अप्रोच, इससे दोस्ती उसको काउंटर, ठीक है। फ्रेंड शोरिंग आप भी करते हैं स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में, ठीक है। अगर किसी से थोड़ा सा तूतू मैमे या हाथापाई हो गई है तब फ्रेंड शोरिंग करना शुरू करते हैं, आप बोलते हैं कि ये मेरे लिए थ्रेट है। आप दूसरे के साथ मींस मान लीजिए कि कोई फ्रेंड आपका बहुत अच्छा था पढ़ने में, आपको हेल्प करता था, उसके बाद उसने धोखा दे दिया आपको पढ़ाई में, अब आप एक महीने बाद सेमेस्टर एग्जाम है, आपका सप्लाई चेन टूट गया वहां पर, ओके, नोट्स का, पढ़ने का, बुक्स का, कॉपीज का, पेंस का, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरे अल्टरनेट में एक सप्लाई चेन क्रिएट करने की कोशिश की दूसरे ग्रुप के साथ में और साथ में उसको काउंटर करना शुरू किया, यानी क्रिएटिंग प्रोमोटिंग सप्लाई चेन विद अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज एंड काउंटरिंग दैट पर्सन इज फ्रेंड शोरिंग, दैट्स इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करेंसी मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए आप खुद बताइए स्टूडेंट्स, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फेड रेट्स इन यूएस डज दैट इंपैक्ट द फ्लाइट ऑफ डॉलर, टेल मी इन द चैट बॉक्स, फ्लाइट ऑफ डॉलर फ्रॉम इंडिया, ये देखिए क्या ये इंपैक्ट होता है, यस yes। जब भी इंक्रीज करेगा तो डॉलर यहां से निकल जाएगा, जब भी डिक्रीज करेगा फेड रेट्स तो लोग यहां पर आके पैसा पंप करेंगे शेयर मार्केट्स में। क्या इसी वजह से इंडिया की करेंसी थोड़ी वोलेटाइल हो जाती है बिकॉज ऑफ फेड रेट्स चेंजिंग, ये देखिए यस। इसी में आरबीआई इंटरवेंशन करता है, आरबीआई डज द इंटरवेंशन। हाउ कम आरबीआई कहता है, देखिए आरबीआई क्या कहता है, वो डॉलर्स डालता है मार्केट में, ठीक है, अपने यहां क्या है उसके पास फॉरेक्स, ठीक है, डॉलर्स वो पंप करता है मार्केट में। जब भी डॉलर्स यहां से निकलते हैं तो देखिए अभी $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज था, मान लीजिए अभी $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज, इसका मतलब साफ है
डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपीस की कीमत घट रही है, क्यों? डॉलर का सप्लाई ही कम है। तो बार बार आरबीआई क्या करता है ऐसी समय में, कोई भी देश करेगा, अपने करेंसी का वैल्यू रखने के लिए स्टेबल। सो दिस इज डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी, ये देखिए डिप्रिशिएट कर रहा है, इसीलिए क्या करता है, रुपीज ले लेता है, डॉलर पंप कर देता है मार्केट में, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके पास फॉरेक्स फॉरेन करेंसी में रखा हुआ है डॉलर, वो पंप करेगा, रुपीज निकाल लेगा, जिससे कि थोड़ा सा फेवरेबल हो जाए कंडीशन रुपी के लिए। दिस इज वेरी वेरी असेंशियल when your currency is depreciating, and this is the reason why US says achha ye to gadbad ghotala kar diya isne, theek hai, bolega achha gadbad ghotala kar diya, kya kiya isne, currency manipulate kar diya, US ki taraf se dekhiye ye shabd currency manipulation, RBI ne kaha ye manipulation nahi hai, len den hai, prakriya hai, main kahan kuch kar raha hu, मैं कुछ किया गड़बड़ घोटाला कर रहा हूं, नहीं। लेकिन यूएस ने कहा नहीं 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 ये तो दिक्कत की बात है, ये चीटिंग कर दिया, चीटिंग कर दिया। बोला गया तो चीटिंग नहीं है ये, लेकिन फिर भी यूएस ने इस इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में डाल दिया, ये देखिए, और अभी हटाया गया है, ये देखिए, इंडिया वॉज रिमूव बाय द यूएस फ्रॉम द करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट इन 2019, बट इट वॉज अगेन पुट इन द लिस्ट इन दिसंबर 2020। द वॉच लिस्ट टिपिकली इंक्लूड्स द कंट्रीज दैट द यूएस सस्पेक्ट्स आर इंटरवीनिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स टू गेन एंड अनफेयर ट्रेड एडवांटेज। ये देखिए बात समझ में आ रही है, तो यही वजह है, देखिए थाईलैंड, इटली, मैक्सिको, वियतनाम, वो सबको ऐसे करता है, ये यूएस मेंटेन करता है अपने डॉलर जो करेंसी है उसको फेवरेबल रखने के लिए, दैट्स इट। तो करेंसी मैनिपुलेशन इन द फॉरेक्स मार्केट वो यूएस कह रहा है इंडिया कर रहा है, इंडिया इज नॉट डूइंग दैट, इंडिया इज जस्ट रिलीजिंग द रुपीज डॉलर्स इन द मार्केट जस्ट टू कीप द करेंसी नॉन वोलाटाइल, दैट्स इट, डिप्रिशिएट करने से बचाने के लिए। देखिए चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर, मुझे बताइए, करेंसी मैनिपुलेशन एंड करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। नेक्स्ट, बिग टेक फर्म्स ऑन कोर्स करेक्शन, ये देखिए कोर्स करेक्शन क्या बात है स्टूडेंट्स, ये नया शब्द इंडियन इकोनॉमी में। ट्विटर ने ले ऑफ किया एम्प्लॉयज, ट्विटर से पूछा गया क्या जा कम पैसे हो गए क्या, ट्विटर ने कहा नहीं नहीं ऐसे ही नहीं, कम पैसे नहीं, एलॉन मस्क आए तो ले ऑफ कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा मेटा हैज फायर्ड 11,000 एम्प्लॉयज, अमेजन हैज फायर्ड, यानी बहुत अच्छे खासे कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, ट्विटर, जो सबसे बड़े बिग टेक हैं, फोर बिग टेक, फाइव बिग टेक कंपनीज, ऑल हैव फायर्ड द एम्प्लॉयज, उसका मैक्सिमम एम्प्लॉयज का सेक्शन जो फायर फायर किया गया है, दैट इज इन इंडिया। ये देखिए, व्हाट स्पार्क द फायर, इट ऑल बिगन विद एलॉन मस्क एक्विजिशन ऑफ ट्विटर वेर इन ही स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ मास ले ऑफ, ये देखिए मास ले ऑफ। सेकेंड पॉइंट, इंटरनल ईमेल्स गेव एम्प्लॉयज अ हेड्स अप अबाउट द डिसीजन टू रिड्यूस द वर्कफोर्स। Twitter is estimated to have halved the 7,500 strong staff in a sudden move that shook the big tech industry. And after Twitter's mass layoff, Facebook parent Meta, Microsoft, Amazon followed suit. Meta said on November 9 it will let go of 13% of its workforce, or more than 11,000 employees. A first in its 18-year history, Microsoft has reportedly laid off nearly 1,000 employees and Amazon is in process of issuing pink slips. Ye dekhiye. What are the implications for India? Developments at Meta and Twitter have had a clear impact in India as well. First, because a sizable portion of their workforce is based in India, uska aadha workforce is sare companies ka India mein based hai, main bata dunga aapko. It creates an atmosphere of uncertainty for domestic IT services and companies and startups. Ye dekhiye, pehla point students, implications India ke liye, dekhiye unemployment rising up. Clear hua point? Second point students, uncertainty इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ये देखिए अनसर्टेनिटी इन सर्विसेज सेक्टर। थर्ड पॉइंट, अनसर्टेनिटी, ये देखिए इन डोमेस्टिक आईटी इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, ये देखिए यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो देखिए ये कितने अनसर्टेनिटीज मीन्स, ये इसके अलावा इसका असर कहां पड़ेगा, कहा जा रहा है प्लेसमेंट पे पड़ेगा। ये देखिए प्लेसमेंट में लेस कंपनीज आर एक्सपेक्टेड दिस ईयर, इन द कमिंग टू इयर्स प्लेसमेंट कम लोगों का हो पाएगा, जो कॉलेज प्लेसमेंट्स होते थे, प्लेसमेंट सेल्स कम लोगों का हो पाएगा, इसीलिए ये मींस वन ऑफ द बिग इंपैक्ट्स। देखिए
एंड इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द स्टार्टअप मार्केट ऑल्सो ऑफ इंडिया, स्टार्टअप्स जो आईटी फील्ड में है, ये देखिए। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या समझ में आ रही है बातें? क्या ये बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आप सवाल पूछिएगा ना, सर ऐसा क्यों हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट, अनसर्टेंटी इन सर्विसेज सेक्टर, अनसर्टेंटी इन डोमेस्टिक आईटी इंडस्ट्री, प्लेसमेंट पर असर, स्टार्टअप्स पे असर, कॉलेज के एजुकेशन पे असर। मैं बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग और मेडिकल, जो इंजीनियरिंग मीन्स कॉलेजेस हैं उसमें जो बच्चे हैं उनको मीन्स दिस दे विल हैव टू फाइंड अल्टरनेट्स प्लेसमेंट के लिए जो बैठ रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि नथिंग इज श्योर एंड सर्टन इन द करेंट पोस्ट कोविड सिनारियो, दैट्स इट। अब सवाल यही है कि क्या सर ये सब कैसे हो गया? क्या इसको देखा गया था? क्या सर ये ऐसे ही हो गया, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, मैं बता दूं आपको, ये सब एक्सपेक्टेड था। यू नो व्हाई? आइए देखते हैं यहाँ पर, ऑल दिस वाज एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स। आइए यहाँ पर दिखाते हैं आपको इस जगह पर, ठीक है, क्यों ये एक्सपेक्टेड था। देखिए पहला पॉइंट मैं नोट कर रहा हूँ इस जगह पर, जब कोविड आया डिड इट गिव राइज टू सडन अपटेक इन द आईटी सेक्टर? टेल मी, आईटी सेक्टर में सडन अपटेक? ये देखिए, यानी आईटी सेक्टर बूम कर गया था कोविड के समय, ये देखिए। और ये बूम करने का मतलब होता है अचानक से ग्रोथ, जिसे पूछो कहाँ जा रहे हो आईटी सेक्टर, क्या किए हो? बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, ट्रेनिंग कर लिए किस चीज में? बस कुछ ट्रेनिंग कर लिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, कुछ ना कुछ तो काम मिल जाएगा, डेटा एंट्री का ही काम मिल जाएगा। ये देखिए, तो यही देखिए स्टूडेंट्स, बूम इन द आईटी सेक्टर हैड कम अप इन द कोविड-19 टाइम्स। टेल मी, डू यू हैव यू सीन दिस 2 years बैक? लेट मी नो। और इसी के असर से अचानक से कंपनीज ने अपने जॉब्स में दिस एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया था। ये देखिए, सबको उठाकर बैठा दिया, देखिए सारी कंपनीज ने जो इससे राइज की थी, वो फेसबुक हो, वो मीन्स मेटा हो, वो ट्विटर हो, सब में डबल हो गया वर्कफोर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। ये देखिए, इतना ही नहीं, इंडिया के स्टार्टअप्स भी, एडटेक स्टार्टअप्स भी अचानक से डबल, ट्रिपल, 4 times सबको ले लिया गया, ठीक है। उसके बाद एक समय के बाद आपको जब मालूम चलता है कि नहीं, वाकई में हमारा सैलरी हम दे रहे हैं उतना इनकम नहीं हो रहा है, तो आप ले ऑफ शुरू करते हैं। दिस इज द बेसिक रीजन आउट हियर। तो मींस नहीं होता अचानक से आप बहुत खुश होते हैं, बहुत सारा पैसा आ जाता है आपके पास, बहुत खुश होना शुरू हो गए आप, अरे क्या पैसा आ रहा है, चलो समोसा खाते हैं, चलो बर्गर खाते हैं, चलो पिज्जा खाते हैं, चलो आईफोन खरीदते हैं, चलो BMW खरीदते हैं। और जब BMW खरीदने गए तो मालूम चला कि उसके लायक पैसा है ही नहीं। यही कंपनी के साथ हुआ है पिछले 1.5 साल में। चलो IPL चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, चलो टी शर्ट पे नाम डलवा देते हैं, ठीक है, वो टीम पहनेगी, वो फुटबॉल में जाएंगे, वो क्रिकेट में जाएंगे। उसके बाद मालूम चला उसके बाद पैसा ही नहीं है, उसके बाद ले ऑफ शुरू। क्या यही स्टूडेंट्स बेसिक रीजन है हर आईटी सेक्टर कंपनी जो कोविड के समय अपने आप को प्रोस्पेक्ट में देख रही थी, एक हसीन सपने में, कि आगे चलकर यहाँ पे इस जगह पे जाएंगे, सब खत्म। ये देखिए, सो दिस इज द पॉइंट स्टूडेंट्स आउट हियर, यू कैन सी इट हियर। सो कोविड-19 मिसमैनेजमेंट, ये देखिए कोविड-19 के समय जो जॉब्स का राइज हुआ, दैट वॉज मिसमैनेज्ड बाय द इंडस्ट्रीज। ये देखिए, यही चिंता की बात, स्टडी करके अपटेक बढ़ाना चाहिए, अचानक से नहीं, रातों रात जिसे जो 100% जॉब्स देता है वो अगले दिन 200% जॉब्स कट भी करता है। नहीं, मुझे बताइए, इसी वजह से स्टूडेंट्स अब कंपनीज को लग रहा है कि पैसा कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो गया है, अब समय आ गया है ले ऑफ करने का, और ले ऑफ करना शुरू कर दिया, मास ले ऑफ, क्योंकि पैसा है ही नहीं सैलरीज देने के लिए। और एड मार्केट क्रम्बल कर गया, मेटा का हम लोगों ने कल देखा था स्टूडेंट्स, एड मार्केट पूरा क्रम्बल कर गया है, बहुत दिक्कत की बात है। तो दिस इज इट स्टूडेंट्स आउट हियर। ये इंडिया के लिए क्या जो ले ऑफ चल रहे हैं, क्या इंडिया के भी प्राइवेट सेक्टर पे असर डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे, आपका ये होमवर्क है।
इज द इज आर द मास ले ऑफ्स विच आर गोइंग ऑन इन द कंपनी इज गोइंग टू इंपैक्ट इंडियाज इंडियाज एम्प्लॉयमेंट सिनारियो. यस दैट्स इट. क्लियर. चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स. ये मीजल्स आउटब्रेक हुआ है मुंबई में, खसरा जिसे कहते हैं. ये देखिए मीजल्स या खसरा वायरल डिजीज है, कंटेजियस है, बच्चों को इफेक्ट करता है. आपको पता है इसके खिलाफ वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम है मीजल मम्स रूबेला वैक्सीन, MMR वैक्सीन. सुना होगा आपने. ये देखिए मीजल्स रूबेला एंड मीजल मम्स रूबेला वैक्सीन जो दिया जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 9 से 12 महीने के एज पर. ये देखिए एंड सेकेंड डोज एट 16-24 मंथ्स ऑफ एज. तो मुंबई में देर इज वैक्सीन हेसिटेंसी स्टूडेंट्स, वैक्सीन हेसिटेंसी बढ़ गई है, इसी वजह से इसके केसेस बढ़ रहे हैं. आप ये वैल्यू एडिशन है मेंस के लिए वैक्सीन हेसिटेंसी. ये साइंस एंड टेक का न्यूज स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप. नहीं ये देखिए वैक्सीन हेसिटेंसी में केवल कोविड का मत लीजिएगा, ये भी लीजिएगा. ओके एंड साथ में प्रिलिम्स के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये मीजल्स वायरल डिजीज है, कैसा डिजीज है. देखिए यहाँ पर मैं अटैच कर दूंगा इसमें कुछ 3-4 स्लाइड्स डिजीजेस के भी जो मीजल्स के ऊपर फोकस करेगा खसरा. तो दैट्स इट स्टूडेंट्स फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. आज बहुत कम न्यूज था, हम लोग कल देखेंगे साइंस एंड टेक का जब डिटेल्ड आता है द हिंदू का पेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कम अप. तो आज हम लोगों ने क्या देखा, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन, वैक्सीन हेसिटेंसी. सेकेंड बिग टेक फॉर्म्स कोर्स करेक्शन. देखिए इसी का मतलब होता है कोर्स करेक्शन, मीन्स आगे बढ़ गए थे खर्चे में अब कम कर रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ गए थे खर्चे में अब कम कर रहे हैं खर्चा, कोर्स करेक्शन इसी को कहते हैं. और हर कोई बैचलर जानता है कोर्स करेक्शन कंसेप्ट, ये मेटा वाले अभी जाने होंगे, हम लोग तो जानते हैं बहुत पहले से. नहीं तो बैचलर का समय हो या फैमिली का समय हो, 20 तारीख तक जाते जाते पैसे खत्म होने शुरू होते हैं. तो उसके बाद अब क्या करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, अब मीन्स थोड़ा पैसा थोड़ा खर्चा कम, इसे कहते हैं कोर्स करेक्शन. नहीं इसके अलावा स्टूडेंट्स करेंसी मैनिपुलेशन मॉनिटरिंग हम लोगों ने देखा क्या होता है ये. ठीक है एंड फ्रेंड शोरिंग क्या होता है, ये नया कंसेप्ट येलेन येलेन जेनेट येलेन का US ट्रेजरी सेक्रेटरी का, ये देखिए. नहीं और उसके पहले स्टूडेंट्स ये देखिए ये लंगूर भी स्टडी का पात्र बन गया है. देखिए सिलेबस बढ़ गया, कोलोबाइन इसने वर्ड दे दिया नया, इसे हल्के में ना लीजिएगा. इसने देखिए इसने बता दिया दैट कोलोबाइन वर्ड पढ़ के जाना अगली बार. ओके नहीं तो UPSC फिर बहुत दिक्कत में डाल देगा. कोलोबाइन क्या होता है, काला तोप खजियार सेंचुरी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में. एंड ये हिमालयन ग्रे लंगूर वेस्टर्न हिमालयस में पाया जाता है, ये दिस इट्स एंडेंजर्ड स्टेटस एज पर IUCN. ये देखिए एंड ये देखिए जोसेफ बाइडेन का चेहरा ही यहाँ पर केवल दिख रहा है, इजिप्शियन काउंटर पार्ट साथ में बैठे हुए हैं शर्माइल शेख में. और यहाँ पर टॉप टॉपिक चल रहा है फंड फंड फंड, पैसा पैसा पैसा, और पैसे की कमी हर जगह दिख रही है. दैट्स इट. तो यही है आज के लिए स्टूडेंट्स, बस इतना काफ़ी है, बस PDF मैं पोस्ट कर दूंगा अभी 15 मिनट में. दैट्स इट. IAS टॉपर्स मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर आकर ले जाइए इसका फ्री PDF. नमस्कार, जय हिंद एंड